What जय हिंद वॉरियर्स वेलकम टू तो एम बाइव अचीवर्स नेटवर्क आई एम रोहित ठाकुर एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स वन अंड चलिए हुए क्लास स्टार्ट हो चुकी है सबके सब, सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें उसके अलावा वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम बाइक की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है एम बाइक की एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वॉरियर्स आप जो है हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं बुक्स पढ़ सकते हैं एग्जाम रिलेटेड और जिस भी एग्जाम कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं उस एक्टेड एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है तो जल्दी से जल्दी जो है डिस्क्रिप्शन में आप आप लोग जाइए पे आपको एम uh, की एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज जरूर कर सकते हैं अचीवर सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है बैच बहुत पहले से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अब आपका बेसिकली एक दिन इसमें और रह गया है और उसके बाद तो फाइनली आपका एग्जाम है ठीक है तो जल्दी जल्दी भाई लाइक like और शेयर जो है सेशन को कर दो भाई सबके सब, के सब। देन विल बी स्टार्टिंग विद क्लास पहला क्वेश्चन देखेंगे रिविजन का जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बहुत ईजी है कल हमने इसको डिस्कस किया था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया है टाइगर रिजर्व कैन नॉट बी अशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकंड स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट है Pradesh हैज the highest नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा एप करेक्ट आंसर वॉरियर्स ध्यान रखना है सबको इसका जो है सही आंसर दैट इज सी तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है सी सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकार हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड विच पर्सन एज मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स फॉर लुकिंग इन टू क्रिमिनल लॉ बिल ये आपको बताना है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका एवरी वन मनमोहन सिंह शशि थरूर पी चिदम्बरम या फिर मल्लिकार्जुन खडगे हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है ध्यान रखना है सबको एब्सोल्युटली करेक्ट पी चिदम्बरम जो है बिल्कुल सही आंसर है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली अनवील्ड 100 परसेंट इथेनॉल फ्यूल वेरिएंट ऑफ हाई क्रॉस कार लॉन्च बाय विच कंपनी हाई क्रॉस कार जो है आपको बेसिकली बताना है किस कंपनी ने जो है इसको बेसिकली लॉन्च किया है बिल्कुल सही आंसर है टोयोटा हाई क्रॉस जो है आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गीतिका श्रीवास्तव प्रीति सरन सुजाता सिंह या फिर मीरा शंकर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गीतिका श्रीवास्तव जो है वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही आंसर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिविजन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंडिया सोलर रूफ ट्रैक हैज रिसेंटली बीन इन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कहां पर जो है भारत का पहला साइक्लिंग ट्रैक बेसिकली इनोग्रेट किया है बहुत इजी चंडीगढ़ दिल्ली बैंगलोर या फिर हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है एप्सोल्यूटली करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिविजन का वॉरियर्स इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विद विच कंट्री टू बूस्ट कॉपरेशन इन सिविल एविएशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस देश के साथ भारत ने एमओ यू साइन किया है कॉपरेशन इंक्रीज करने के लिए सिविल एविएशन में ये आपको बताना है हाँ जी एप्सोल्यूटली करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड जो है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही है चलिए वॉरियर्स तो ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चन अब भाई डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की न्यूज एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वॉरियर्स एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है डिस्क्रिप्शन में वॉरियर्स आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं चलिए भाई आगे बढ़ते हैं पहली न्यूज भाई जहां जहां मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उसको प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा पहली न्यूज डिफेंस कैटेगरी की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है सबको इंडिया मेड महेंद्रागिरी वॉरशिप लॉन्च टूडे दॉरशिप महेंद्रगिरी बिल्ट एट मज मगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यह आपको बताना है इसको मुंबई में लॉन्च कर दिया गया है अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि भारतीय भारत में बनी हुई

named after mountain peak in the eastern ghats located in the odisha mahindragiri sabko hai it is technologically advanced worship and stands as the symbol of india's determination to embrace rich नेवल हेरिटेज तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि महिंद्रा गिरी वॉरशिप जो है उसको लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ ने इसको लॉन्च किया है मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है इसको बनाया जो है डॉक शिप बिल्डर्स ने इसको बनाया है महिंद्रा गिरी जो उड़ीसा में बेसिकली एक ईस्टर्न घाट में एक माउंटेन है उसके नाम पर जो इसका नाम रखा गया है ये क्रूशियल पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं आगे बढ़ेंगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं इज शिवालिक क्लासेड एम डिग्निटलीबिलिटीजरिंग फोकस ऑन इनको एडवांस फीचर सच एज इम्प्रूव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कटिंग एच वेपनरी सोफिस्टिकेटेड सेंसर एंड स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम ये सब चीजें इसमें हैं और प्लांट अंडर प्रोजेक्ट सेवनटीन ए फोर आर बीस्ट्रक्टेड एट मास्गोन बिल्डर लिमिटेड जी आर एस सी तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स प्रियन सेन क्राउंड मिस अर्थ इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अपॉइंटमेंट सॉरी अपॉइंटमेंट्स नहीं ये पर्संस इन न्यूज़ जो है उसकी कैटेगरी का ही आपको ध्यान रखना है प्रियन सेन जी को जो है मिस अर्थ इंडिया जो है 2023 ग्राउंड किया गया है राजस्थान प्रियन सेन क्लिंक्स द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023 ड्यूरिंग द मिस इंडिया मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल

Who was invited as a special guest along with Miss Earth एयर from Australia, शेडन Matlock. ये additional information है आपको सिर्फ ध्यान में वो important चीजें रखनी है that is प्रियन सेन जो है मिस अर्थ इंडिया बनी है अब इंडिया को जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है मिस Earth 2023 में रिप्रेजेंट करेंगी वियतनाम में ये आपको ध्यान रखना है

ट्रेन किया जा सकता है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स अगेन इंपॉर्टेंट है है फर्स्ट वुमेन टू हेड रेलवे बोर्ड तो ये आपको ध्यान रखना जया वर्मा सिन्हा बिकेम द फर्स्ट वुमेन सीईओ एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड द द्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर नेशनल ट्रांसपोर्टर शी सक्सीड्स अनिल कुमार लहोती सिन्हाज अपॉइंटमेंट सिग्निफाइज जंक्चर इन वन सिक्सटी थ्री सिक्स इयर ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ऑन देंटल ऑफ सी ई बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस एस्टीम्स पोजिशन तो आपको ध्यान में रखना है जया वर्मा जो है जया वर्मा सिन्हा जो है फर्स्ट वुमेन सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड की और उन्होंने सक्सीड किया है अनिल कुमार लहोती जी को यह आपको ध्यान में रखना है जय शर्मा जी की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है एलमिनाई है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ज्वाइन द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज इन 1988 शी इज करंटली सर्विंग एज मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन रेलवे बोर्ड अंडर द रेलवे मिनिस्ट्री सिन्हा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लाइट एंड पैसेंजर सर्विसेज ऑन द इंडियन रेलवे शी विल विल अज्यूम चार्ज ऑन एंड हर टेन्योर बी टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ भाई ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स अवार्ड एंड ऑनर्स की न्यूज है 90 परसेंट चांसेस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए डॉक्टर रवि कनान ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद 65 फाइव रैमन मैक्स एवॉर्ड रैमन मैक्स अवार्ड से सीडीएस में एनडीए में सीएपीएफ में यूपीएससी सीएससी में हंड्रेड क्वेश्चन आता ही है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं आपसे हंड्रेड पूछा जाएगा

आगे बढ़ेंगे। एडिशनल भी देखते हैं। दिस इन फ्रॉम फिलीपीन्स एंड डॉक्टर रवि किशन फ्रॉम इंडिया तो ये चारों नाम बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर कनाम आसाम पायनरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेवलिंग कैंसर केयर इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन लाइज एट दी कोर ऑफ द अवार्ड इनके लिए बेसिकली इनको ये रेमन मैक्स अवार्ड दिया गया है नार्थ ईस्ट रीजन विद रिमोटनेस एंड पोअर मेडिकल एक्सेस चैलेंजेस इन कंबैटिंग कैंसर डिजीज विफिकेंट इमोशनल एंड फाइनेशियलियल कॉन्सिक्वेंसिस फॉर पेरेंट्स एंड देयर फैमिलीज उन्होंने डिसाइड किया कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो बेसिकली क्या है दूर दराज का इलाके हैं वहाँ पर कई वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो उन्होंने जो है काफी ज्यादा हेल्प करी है ताकि वहां पर जो डिजीजे है कैंसर रिलेटेड डिजीजेज है उससे जो है कम हो जाए और वहां पर ट्रीटमेंट पहुंच पाए तो ये आपको ध्यान में रखना है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स बीआरओ टू प्लांट 1000 ट्रीज इन उत्तराखंड अब आपको ध्यान रखना है एनजीटी ने जो है

10000 trees within a month in uttarakhand a part of compensatory tree, tree plantation to make up hundreds of trees felled during construction of roads from simli to gualdham ngt is a statutory and uh, specialized judicial body that deals with the expeditious disposal of cases related to environmental protection and conservation of forest and other resources it was set up under national green tribunal act in 20

डॉक शिप बिल्डर्स जी आर एस सी सॉरी नॉट जी आर एस गोवा शिप लिमिटेड कोची शिप लिमिटेड या फिर ए बी जी शिप यार्ड लिमिटेड चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके बिल्कुल सही है माजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने जो है इसको बनाया है तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023 ड्यूरिंग द मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 National Final नेशनल फाइनल हेल्ड इन न्यू बिल्कुल सही है प्रियंत सेन आपको ध्यान रखना है राजस्थान की प्रियंत सेन जो है इन्होंने जीता है

चलिए भाई जल्दी जल्दी सही आंसर बताइए बहुत आसान है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है Warriors, absolutely correct. ये भाई 500 अगर नहीं होता यहां पर यहां पर कितना होता 300 करोड़ होता 300 करोड़ तक जो है हमारी सर्विसेज जो है बेसिकली क्या कर सकती हैं अपने आप से ऑर्डर दे सकती हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा वन एंड थ्री जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु अमंग फॉलोइंग रिसेंटली बिकम फर्स्ट चेयरपर्सन टू हेल्ड रेलवे बोर्ड वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट सिन्हा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा ने जो है ये ऑफिस हेल्ड किया है एक साल तक वो इसकी चेयरमैन रहेंगी अगला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी जल्दी बताइए भाई भारतीय कौन है जिनको पैंसठ बार एम एन से अवार्ड दिया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिजीज एंड कैंसर रिलेटेड चीजों को पहुंचाने के लिए बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट रवि कनन आर जो है इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एनजीटी ने जो है भाई आपको बताना है कि बीआरओ को बोला है किस राज्य में दस हजार पेड़ लगाने का उनको डायरेक्शन दी गई है ये आपको बताना है राजस्थान में अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही आंसर है सही आंसर दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में आप करेक्ट उत्तराखंड में जो है दस पेड़ लगाए जाएंगे जो कि रोड डेवलपमेंट के दौरान वहां से काटे गए थे तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज जरूर करिएगा क्लास को कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं उसके अलावा रिविजन जो है आप अचीवर सीरीज से कर सकते हैं और पराक्रम सीरीज से भी आप रिविजन कर कर सकते हैं आपका एग्जाम है भाई अब संडे को संडे को सी का एग्जाम है ऑल दी वेरी बेस्ट अब जस्ट रिवाइज़ करिए जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उतना करिए सैटरडे तक वो चीज़ करते रहिए उसके अलावा फिर सैटरडे को जो एकदम पीसफुली सोइए और सी को बहुत ही ज़्यादा एकदम देखो बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर आपको देना है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है हो उसमें और यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं हो तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टू डेज क्लास वारियर्स एम की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है एम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको मिलती है एआई आई बेस्ड लर्निंग हर चीज आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है टेलीग्राम चैनल्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टू क्लास डू सब्सक्राइब टू दी चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया वारियर्स एंड डो नॉट फोरगेट टू प्रेस द बेलाइकन जिससे कि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है अटल रैम कीर्निंग जय मीवान Keep imbibing. We believe in you.